आए एक संत हमारे पास, बोले महाराज बच्चा तेज चिल्लाता है। हमने कहा तेज चिल्लाता है, डांटता है, हमारी औलाद हमको डांटती है। हमने कहा छोड़ो, घर छोड़ो, हमारे साथ रहो। हाँ महाराज सोचते हैं। हमने कहा ठीक है, सोचना विचार करना, चिल्ला रहा है, हो जाता है झगड़ा। आए 15-20 दिन बाद, महाराज अति हो गई। क्या अति हो गई? आज बच्चे ने गाली दे दी। तुम पिता हो, पिता को बच्चे ने गाली दे दी और उसके बाद भी तुम घर में अपमान का घूंट सह गए, उसी बच्चे के साथ रह रहे हो, छोड़ो। हाँ महाराज बहुत कर्तव्य है, थोड़ा सा और सोचता हूं, अब क्या करें, घर में रहते हैं, सहना पड़ता है। हमने कहा आशीर्वाद भैया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बीच में हम क्यों घुसे। एक दिन और आए, फिर आकर के बोलते महाराज आज तो अति हो गई। क्या अति हो गई? बोले आज लड़के ने मार दिया। क्या मार दिया? बोले चांटा मार दिया महाराज। पिता कह रहा लड़के ने चांटा मार दिया। तो फिर हमने कहा अब तो शर्म करो, लड़का तुम्हारे ऊपर, बाप के ऊपर हाथ उठाता है, खाने नहीं दे रहा है, अब तो छोड़ो उस घर को। लेकिन बोले महाराज अब इतने तो बचपन में उस छाती में उसकी लात खाई थी, बुढ़ापा हो गए, अब बुढ़ापा में आए हैं, पहली बार हाथ उठाया है, मान जाएगा, अब तो आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मांगता है आदमी, दो, घर में परिवार की परिस्थितियां सुधर जाए। हम कहते भगवान इसकी मनस्थिति सुधर जाए तो परिवार की परिस्थिति सुधर जाए। तो वो आशीर्वाद गुरु से मांगता, आशीर्वाद दो मेरा बच्चा ठीक हो जाए। हमने कहा देखो तो कैसे पाप कर्म का उदय, जब ये गाली देता था, जब ये डांटता था तब नहीं छोड़ा, गाली देता था तब नहीं छोड़ा, आज हाथ उठा दिया तब भी नहीं छोड़ रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। क्या करता साधु, तो यही बोलता है ना, आशीर्वाद, सब ठीक हो जाए। ठीक हमको नहीं करना है, ठीक तो तुम्हें करना है। अब वही आदमी एक दिन और आ गए हमारे पास, कहते हैं महाराज आज तो अति हो गई। क्या अति हो गई भैया? आज बच्चे ने फिर मारा। हमने कहा बच्चे ने फिर मारा? हां बच्चे ने महाराज आज फिर मारा। कैसे मारा? बोले महाराज आज हाथ से नहीं मारा, आज जूता मारा। पिता को बच्चे ने जूता मारा? हां महाराज आज हमारी संतान ने हमको जूता मारा, बहुत बुरा लग रहा है। हमने कहा इतना बुरा तुम्हें लग रहा है तो अब तो संसार छोड़ दो। छोड़ेंगे, जल्दी नहीं है। हमने आंख खोल के देखा, हमने कहा भाई पिता को पुत्र ने जूता मार दिया, अब किस बात की कौन सी बात रह गई है घर के अंदर रहने लायक, अब तो बाहर निकलो। तो बोले निकलेंगे महाराज, शास्त्र में जैसी आज्ञा है वैसे उस हिसाब से निकलेंगे। हमने कहा शास्त्र में क्या आज्ञा है गृहस्थ के घर छोड़ने की? तो उसमें लिखा है मानस में चौथी पन ही पड़े जब कान। बोले जो उसमें मानस में लिखा है, क्या लिखा है? कि जब कान में बेटा चौथी पन ही मार दे उसके बाद घर छोड़ेंगे। क्या एक बार के जूता खाने पर नहीं, जब वही पुत्र चौथी बार मारे तो शास्त्रोक्त विधि से छोड़ेंगे महाराज, इसके पहले नहीं छोड़ेंगे। हमने हाथ जोड़ लिए, हमने कहा राग का इससे बड़ा पुतला क्या होगा इस संसार में, और शरीरी को, देही को, इस शरीर के कारण इस आत्मा को कितना प्रताड़ित होना पड़ता है, घर के अंदर कितना अपमान सहते हो। कभी बहू के हाथ का सह लिया, कभी बहू ने सह लिया, कभी पति के हाथ का सह लिया, कभी पुत्र के हाथ का सह लिया, दुख पे दुख झेलते जा रहे। और जैसे फटी कमीज के फटी बनियान के ऊपर एक साफ शर्ट पहन ली और वो भी फटी है तो एक कोट पहन लिया, अंदर ही अंदर ढकते चले जा रहे, ढकते चले जा रहे, ढकते चले जा रहे। हम पूछते हैं कि जब घर में इतना दुख है, घर में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, रहते क्यों हो भाई, छोड़ो ना उसको। अरे महाराज कहां जाए, क्या करें, लौट फिर के वही चिंता आती है भोजन की। हमने कहा भोजन हमारे साथ रहो, शुद्ध मिलेगा जीवन भर, हम गारंटी लेते हैं।